बैक टू माई यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो गाइज, वेरी रिसेंटली आई हैव रिसीव्ड मैनी मैसेजेस ऑल्सो एंड ऑल्सो मैनी रिक्वेस्ट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम टू मेक अ वीडियो ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में. इफ दिस वीडियो कुड हेल्प यू गाइज इन एनी वे आउट, सो आई एम हियर विद दिस वीडियो, सो लेट्स गेट गोइंग. सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि GMC हरिद्वार के बारे में तो पहले थोड़ा सा आउटलाइन, एंड देन वॉट इज द रीजन कि वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, एंड आर देर एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इट ओपनिंग दिस ईयर. एंड आर सो गाइज, जो GMC हरिद्वार है वो जगजीतपुर एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसके तहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस उत्तराखंड में 4 नए बनने थे. ठीक है, तो उनमें से एक हरिद्वार था, एक रुद्रपुर भी था और एक पिथौरागढ़ भी था. तो इन चारों जगह बने थे, जिनमें से अभी GMC हरिद्वार हुआ है. एंड दिस इज अ कॉलेज विच हैज़ लाइक एन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ वेरी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस. एंड जो इसका एरिया है वो 75 एकर्स में स्प्रेड है. इसकी कुछ फोटोज मैं आपको ऐसे विजुअलाइज करवा देती हूँ. बहुत ही सुंदर कॉलेज बना है, एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि हरिद्वार में है तो सुंदर तो वो होगा ही. इसको मेनली शुरू किया गया था कि बाद में आगे चल के यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी भी करवा सके, वो MCH में, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में और DM प्रोग्राम की इनमें, ताकि ये सुपर स्पेशलिटी करा सके. और जो इसका एफिलिएशन है हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी देहरादून, जिसके अंडर उत्तराखंड के सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, जैसे कि GDMC देहरादून हो गया, GMC हल्द्वानी हो गया या अल्मोड़ा वाला हो गया, श्रीनगर हो गया, तो ये भी उसी हेमवती नंदन बहुगुणा एजुकेशनल वाली यूनिवर्सिटी के अंडर आता है. इसमें जो अच्छे पॉइंट्स हैं इस कॉलेज के वो ये हैं कि ये कॉलेज जो है वो नेशनल हाईवे पे है और बहुत ही पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी है टू द एयरपोर्ट विच इज़ जॉलीग्रांट, एंड ऑल्सो इट इज़ जस्ट 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, सो दैट मेक्स इट ऑन अ प्राइम लोकेशन. ठीक है, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या. जो ये मेडिकल कॉलेज था GMC हरिद्वार, इट वॉज मेनली सपोज टू स्टार्ट इन द ईयर 2023, दैट मीन्स फ्रॉम 2023 इट वॉज सेट टू बी ऑपरेशनल, बट ये नहीं हो पाया फॉर सम रीजन्स. एंड अभी रिसेंट में भी 950 पोस्ट्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, बट अभी तक अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाई हैं. एक बार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आ जाते हो देन यू एक्चुअली गेट टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एक्चुअली रिक्रूट ऑल द प्रोफेसर्स. इसी वजह से NMC ने इसकी रिकग्निशन को डिनाई कर दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज को रिकग्निशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनका स्टाफ कंप्लीट नहीं हो जाता है. तो जो हमारे ऑनरेबल स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपना इस पर वर्डिक्ट दिया है, एंड उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, एंड बाय नेक्स्ट ईयर द कॉलेज विल बी रेडी. तो उनके अकॉर्डिंग ये जो कॉलेज है वो नेक्स्ट ईयर, जैसे जो कि 2025 से ये शुरू होगा. तो गाइज, अभी बस इसका मेन रीज़न यही बताया गया है कि अभी स्टाफ रेडी नहीं है, एंड एक और रीज़न है कि यहाँ पर अभी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है. तो गाइज, मैं आपको सच बताऊँ तो अपने एक्सपीरियंस से, देर इज़ अ मेडिकल कॉलेज, इट इज़ अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज विच हैज़ स्टार्टेड, तो इसी साल से वो स्टार्ट होने को ऑल सेट है. एंड उसकी जो रिक्रूटमेंट है एंड उसके जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत पहले से रिक्रूट कर दिए गए हैं. From our college also, teachers have gone into that private medical college, and ये काफ़ी पहले से उनका procedure चल रहा होता है recruitment का. So it is not a sudden procedure कि अब आपको start करना है तो एकदम से ऐसा. तो यही clear करना चाह रही हूँ कि जो government medical college हो चाहे private medical college हो, इनकी जो recruitment होती है, इनके जो teachers allocation होता है, जैसे कि जो associate professors होते हैं, जो assistant professors होते हैं, ये बहुत पहले से procedure शुरू हो जाता है. अभी तक अगर recruitment नहीं हुई है, अभी भी आप अगर साइट पे जाके देखो तो वो भी अभी भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चला ही रहे हैं. सो देन दैट मेक्स इट रियली डिफिकल्ट टू स्टार्ट द गवर्नमेंट कॉलेज दिस ईयर, बट स्टिल ट्राई तो कर ही सकते हैं. बट बात प्रॉब्लम की आ जाती है. प्रॉब्लम ये है कि इस साल जो 2024 की कट ऑफ है वो बहुत बहुत ज़्यादा चली गई है, ये तो हम सभी को पता है. इस साल तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि 650 तक
जो ऑल इंडिया की से कट ऑफ तक है वो मिनिमम तो जाएगी ही जाएगी। मैंने एनालिसिस किया तो जनरली क्या होता है कि उत्तराखंड की कट ऑफ बाकी स्टेट से कम जाती है, क्योंकि एक नया राज्य है, अभी कम मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो जनरली कम जाती है। बट इस साल उत्तराखंड तक की कट ऑफ जो है वो 643 गई है। अभी जो लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी में जो एडमिशन गया है वो 643 मार्क्स पर गया है, तो आप सोच ही सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन इस बार बढ़ चुका है। तो ऐसे में अगर एक नया मेडिकल कॉलेज बनता है जिसमें सीट्स जो जीएमसी हरिद्वार है उसमें बोला गया है कि सीट्स 100 हैं, तो फिर जिसमें सीट्स 100 हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा इट विल बी काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग टू ऑल दोज चिल्ड्रन हु हैव स्कोर डिसेंट मार्क्स टू गेट इन टू अ कॉलेज। तो गाइस वैसे तो उत्तराखंड में जो लास्ट तक 600 तक ऐसे में एडमिशन मिल ही जाता था, बट इस साल एकदम से 643 पे जिस हिसाब से अभी चला गया है, सो इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली फेसिंग दिस। स्टूडेंट्स हैव लिटरली सिक्योर्ड रियली गुड मार्क्स। यू कैन जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रॉमा एंड द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट चाइल्ड इज गोइंग थ्रू हैज सिक्योर्ड गुड मार्क्स, लेट्स से 630 मार्क्स, बट ही और शी इज नॉट गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिस ईयर इन हिज और हर स्टेट, स्पेशली इज रियली फेसिंग अ लॉट एट दिस पॉइंट। आप मुझे खुद बताइए, जिस बच्चे के अभी 630 आए हैं, क्या वो बच्चे एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या उस बच्चा वो बच्चा डिजर्व नहीं करता क्या एक मेडिकल कॉलेज में जाना? दैट पर्सन इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हैज अ गुड ब्रेन एंड विल डेफिनेटली डू गुड इन मेडिकल साइंसेज अहेड, बट depriving him of this opportunity to get an admission is really something to be worried about. So we can all just pray ki the higher authorities take some step so that all these children who are at the borderline ki 620 hain abhi unke 630s mein hain 610 mein hain, they can also get admission in a government medical college in Uttarakhand so that we can have more doctors in Uttarakhand to serve the people of our state. So we can just pray that इस साल नहीं तो अगले साल तक तो वो प्लीज कैसे भी करके बन ही जाए। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल यू गाइस। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।